हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग से पहले अभी लॉन्च पूल के ऊपर कैटिजन आया और कैटिजन की इतनी ज़्यादा हाई बन चुकी है कि शायद हैमस्टर कॉम्बैट इस वक्त थोड़ा पीछे रह चुके हैं। हालांकि हैमस्टर की लिस्टिंग भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्द होने वाली है और कैटी की लिस्टिंग अभी होने वाली है। शायद आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब लिस्टिंग हो जाएगी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई बन रही है। पूरी पूरी उम्मीद है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, जिसमें से 9% तो सिर्फ बाइनेंस लॉन्च पूल के लिए रखा गया था और जो कि पूरा के पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, हमारे वॉलेट्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो कैटी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहना, वॉलफुट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉलफुट ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं सारी अपडेट्स साथ के साथ डाल रहा हूं कैटिजन की और इसी के साथ हैमस्टर की, मूनबिक्स की सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलने वाली हैं। अगर आपको स्पेशल कोई भी वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दो, अपने कोई वॉलेट को लेकर या फिर एयरड्रॉप को लेकर कोई भी वीडियो चाहिए, मैं वो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा और पूरी डिटेल में लेकर आऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अभी जो कैटिजन है इसका टाइम दिखा रहा है लगभग 49 मिनट 50 मिनट, जब आप देखेंगे शायद ऑलरेडी ये लिस्ट हो चुका होगा, जो कि बाइनेंस के ऊपर ही फर्स्ट लिस्टिंग इसकी होने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो बता रहा था प्राइस का, वो है कि इसकी जो टोटल मैक्सिमम सप्लाई है सिर्फ 1 बिलियन कैटी की है और इसमें से ऐसा मान लो कि 9-10% तो ऑलरेडी हमें बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, यानी कि 100 बिलियन की सप्लाई तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है लॉन्च पूल के द्वारा और बाकी की जो बची है वो आप यहाँ पे टोकनॉमिक्स ऑलरेडी देख ही सकते हैं, जो कि एयर ड्रॉप में ही 34% जा रहा है और ट्रेजरी में, ट्रीम में 15-20%, इन्वेस्टर्स के लिए 10%, एडवाइजर के लिए 7%, लिक्विडिटी इन्होंने 5% मेंटेन करके रखी है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है कि क्यों इस कॉइन की इतनी ज़्यादा हाइप भी है और हाइप होने के और भी कारण ये कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी गेम है जिसके ऊपर आपका टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। यानी कि आप अगर प्ले करते हो उसके बदले में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एयरड्रॉप्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसकी वजह से आपको कैटी कॉइन मिलेंगे और टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से और भी ज़्यादा ये फ्रेंडली बन चुका है, यानी कि टेलीग्राम के ऊपर बहुत ही आसानी से एज ए बॉट हम इसके ऊपर प्ले कर पा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि लिस्टिंग तक ही है, इसके बाद भी ये इसी तरीके से गेम चलता रहेगा, कॉइन्स आप इकट्ठे कर सकते हैं कैटीजन या फिर कैट वाली गेम्स खेल के। जैसी अब लिस्टिंग होगी तो मैं जहां तक वैल्यू देख पा रहा हूं ये $0.5 $1 बहुत आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो हमने यहां पे लॉन्च पूल के लिए स्टेकिंग करी थी, वो लॉन्च पूल की स्टेकिंग के लिए बहुत ही कम अमाउंट हमें मिला है। यानी कि स्टेकिंग चाहे बड़ा अमाउंट क्यों नहीं किया, आपको जो एक्चुअल में फार्मिंग करने का रिवॉर्ड मिला है वो बहुत ही छोटा अमाउंट मिला है। जनरली छोटा सिर्फ तभी मिलता है जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब कैटी का आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिखा रहा है, कैटी USDT का पेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा जो भी प्राइस मिले एक बार तो सेल कर देना, चाहे 50% 75% इसको सेल कर देना, बाकी का चाहे अपने पास रख लेना, वरना आपको जो कॉइंस मिलने वाले हैं गेम प्ले के द्वारा, जो कि आपको टेलीग्राम बॉट के ऊपर मिलेंगे कैटीजन के, तो आप उनको सेव करके रख सकते हैं। यानी कि अगर आपने होल्डिंग बनानी तो होल्डिंग आप उसकी बना सकते हैं, इंस्टेड आपको जो बाइनेंस के ऊपर मिले हैं या फिर लॉन्च के साथ आपको जितने भी कॉइंस उनको आप सारा सेल भी कर सकते हैं अभी के अभी। तो आपका जो एयर ड्रॉप बन रहा है या फिर जो भी आपके रिवॉर्ड्स बन रहे हैं कैटिजन टेलीग्राम बॉट के ऊपर, वो आपने बाइनेंस के ऊपर कैसे लाने हैं, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि वहां पे हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको भी हम यहां पे सेल कर सकते हैं। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे catizen.ai, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले फॉर एयर ड्रॉप हील द वर्ल्ड, यानी कि एयर ड्रॉप के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एयर ड्रॉप तो पहले ही काफ़ी सारे दे चुके हैं, अभी भी उसी तरीके से एयर ड्रॉप्स दिए ही जा रहे हैं, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा गेम बन चुका है और इसी को देकर काफ़ी सारे और भी गेम्स आ रहे हैं, जैसे पहले तो हैमस्टर कॉम्बैट था, अभी मूनबिक्स आए, और भी ऐसे कई सारे गेम्स आ चुके हैं। अगर हम कैटिजन के ट्विटर के ऊपर जाते हैं एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटडाउन के साथ साथ इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 20 सितंबर को बड़ी बड़ी या फिर बड़े प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। तो इसमें इन्होंने एप्पल का नाम लिया कि एप्पल भी आज रिलीज़ हो रहा है और ये अपना जो प्रोडक्ट कैटी है इसको भी आज ही ट्रेडिंग के लिए ओपन करेंगे। इसी के साथ साथ ये बिटकेट पूल एक्स के ऊपर इन्होंने एक पूल और शुरू किया, जिसमें आप अपने कैटिजन को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। लॉक करने पर आपको 50,000 से भी ज़्यादा टॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं एज ए रिवॉर्ड। तो बहुत कुछ दिख रहा है हमें कैटी का, लेकिन कोई भी डाउट तो नीचे कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपका डाउट यहीं पर क्लियर कर दूँ या फिर आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट्स दे दूँगा। क्योंकि अभी इसी के साथ साथ अगली 23 तारीख को, यानी कि ये 2 दिन के बाद, तो 23 तारीख को एक नया लॉन्च पूल आने वाला जो कि हैमस्टर कॉम्बैट का आएगा। हैमस्टर कॉम्बैट के लिए आप फिर से स्टे कर सकते हैं, स्टे करके वो भी आपको जितने कॉइंस मिलेंगे आप एक अच्छे प्राइस पे सेल कर पाएंगे। तो ये रेगुलर बेसिस पर टॉन ब्लॉकचेन वाले जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये हमें अच्छा प्रॉफिट दिक्कत जाने वाले हैं। इससे पहले डॉग्स आया था, उससे पहले नॉट्स आया था, टॉन आया था, टॉन की दोबारा से यहाँ पे लॉन्च पूल फार्मिंग आई थी। तो इन चीज़ों के लिए अपडेट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर हम देने वाले हैं, या फिर प्लीज़ वॉलफुट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर रख लें ताकि मेरी तरफ से जितनी भी अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।